जो डिनर सेट हम रेयरली यूज़ करते हैं और उसकी प्लेट्स इस तरह से हम एक जगह रख देते हैं तो उसमें इस तरह के डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और जब हमें इनको यूज़ करना होता है तो हमको वापस से क्लीन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उसका सलूशन मैं आज लेकर आई हूँ। मेरे पास ये कुछ फैब्रिक के पीसेस पड़े हुए हैं, ये सारे अनइवन हैं, तो ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं इन पीसेस को ही यूज़ करने वाली हूँ। और ये पीसेस मेरे पास जब मैंने अपना सोफे का मेकओवर किया था तो उसमें से बचे हुए पीसेस हैं। और देखिए, ये क्विल्टेड हैं, इसमें ऊपर से पूरी क्विलिंग की हुई है और देखिए अंदर की तरफ इसमें फोम भी फिल है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए यूज़ कर लूँ। और अगर आपके पास इस टाइप का फैब्रिक नहीं है तो आप कोई भी दो फैब्रिक लेके बीच में आप फोम शीट लगा के इस टाइप का पीस तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक ही पीस बड़ा है तो इसको मैं ऊपर का जो कवर बनाते हैं उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। और सेम इसके हाफ हाफ साइज़ के मेरे पास टू पीसेस और मैंने कट करे हैं तो इसको मैं बीच से स्टिच करके इसको मैं ऑर्गेनाइज़र का नीचे का पार्ट बना लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें यहाँ पर बीच से एक सिलाई लगा के स्टिच कर देना है। और देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये दोनों सेम साइज़ के पीस तैयार हो गए हैं, ये नीचे का पार्ट और ये वाला ऊपर का पार्ट बन जाएगा। और देखिए, एक ये लंबा सा पीस मेरे पास पड़ा है, इसको मैं जो बॉक्स बना रही हूँ उसकी चौड़ाई के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इन दोनों पीसों को राउंड शेप में कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम प्लेट का ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं इसलिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्लेट ली है। इस पर को हम रख के मार्क्स लगा लेंगे। ये जो प्लेट मैंने ली है ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, डिनर प्लेट प्लेट्स इससे कुछ छोटी ही होती हैं तो ईज़िली हमारे लिए ये साइज़ बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए, इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। और देखिए, इसको मैंने अब राउंड शेप पे कट कर लिया है। अब ये ऊपर वाला पीस है, सेम नीचे वाले पीस को हम उसके ऊपर रख के ऊपर से मार्क्स लगा के इसकी भी कटिंग कर लेंगे, इससे दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो लीजिए, इसकी भी हम कटिंग कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा सोफ़ा मेकओवर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं तो चलिए अब इस पीस को हम इसमें अटैच कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है 5.5 इंचेस है, मैंने इसको नाप के नहीं लिया है, मेरे पास तो ये पीस पहले से ही पड़ा था। वैसे इसमें लगभग 2 दर्जन ही लगभग 24 प्लेट्स इजीली आ जाएंगी। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है और साइड में मैंने लगभग आधा आधा इंच छोड़ दिया था। और इन दोनों पीसेस को मिलाकर मैं अब यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी और ये इसमें स्टिच हो जाएगा। चलिए, अब आपको मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर इसमें एक सिलाई लगानी है। और लीजिए, अब आपको मैं इसे सही सीधा करके दिखाती हूँ किस तरह का बन गया है। देखिए, अब ये एक राउंड शेप का बाउल जैसा रेडी हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर इसका कैप बनाना है। तो जो ऊपर वाला पीस लिया था उसको हमें एक साइड में लगभग 6 इंचेस का इसमें स्टिच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम जो ज़िप होती है उसको स्टिच करने जा रहे हैं। तो आप मार्केट से ले सकते हैं, इजीली मिल जाती है जहाँ सिलाई का सामान मिलता है। तो हमें आगे की तरफ से इसको चेन को उल्टा रखना है और आगे की तरफ से इसे स्टिच कर देना है इस तरह से रख के, और बाद में इसको पलट के ऊपर की तरफ से भी इसमें एक हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है।
तो ये बिल्कुल सही शेप में आ गया है। और देखिए सेम ऐसे ही मैंने ऊपर की तरफ भी सिल लिया है। अभी जो ऊपर का है यहाँ पर सिलाई लगानी बाकी है, जब मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूँगी तो ये भी प्रॉपर शेप में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अब स्टिच कर लिया है और अब इसमें हमें रनर लगाना है। और लीजिए हमारा बॉक्स देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रेडी हो गया है। इसको बनाने में फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, लगभग 10-15 मिनट्स में इसको मैंने स्टिच कर लिया है। चलिए इसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये देखिए सबसे बड़े साइज़ की प्लेट है, राइस प्लेट, ये इजीली इसके अंदर आ रही है और इसमें आप अपनी प्लेट्स को रखिए। देखिए इसमें मैंने लगभग 12 बड़ी प्लेटें रखी हैं और इन्हीं के सेट की मैंने 12 छोटी प्लेट्स भी रख दी हैं और अभी भी इसमें स्पेस है, आप और भी प्लेट्स इसमें रख सकते हैं। और देखिए अब हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी है और इसमें प्लेट्स एकदम डस्ट फ्री रखी रहेंगी और ये ऊपर वर्टिकल एरिया भी बच गया है, यहाँ पर आप एक और ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए कितना यूज़फुल रहा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।